पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ firstbite.tv। जनमानस को हिला देने वाले मेरठ के चर्चित तेहरे हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त हाजी इजलाल 15 साल बाद जमानत पर बाहर आ गया है। इसी मंगलवार को हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली है। मेरठ जिला कारागार में आज सुबह बाहर आकर उसने खुले में सांस ली है। थाना कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में पुनीत गिरी, सुधीर व सुनील ढाका की एक युवती को लेकर हत्या कर दी गई थी। तीनों की लाश कार में ले जाकर बागपत के बिनौली गंग नहर के पास डाल दी गई थी। इस सनसनीखेज तेहरे हत्याकांड ने मेरठ के जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। फांसी की सजा की मांग करने वाले पीड़ित परिवार को हाजी इजलाल के बाहर आने से बड़ा झटका लगा है। 23 मई 2008 को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसमें हाजी इजलाल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा 14 लोग और इस हत्याकांड में शामिल बताए गए थे। हत्याकांड की मुख्य वजह बनी थी शीबा सिरोही। शीबा हाजी इजलाल की प्रेमिका थी और पुनीत गिरी, सुधीर व सुनील ढाका इसका विरोध कर रहे थे और इसे लेकर ही इस हत्याकांड को बेहद बेरहमी से अंजाम दिया गया था। आरोप है कि तीनों को विक्टोरिया पार्क स्विमिंग पूल से उठाकर ले जाया गया था और गुदड़ी में उनकी हत्या कर दी गई थी। हाजी इजलाल व उसके साथियों ने तीनों की लाशें बिनौली गंग नहर के पास ठिकाने लगा दी थी। इस घटना के बाद मेरठ और बागपत में जनाक्रोश फैल गया था। तभी से मुख्य आरोपी हाजी इजलाल जेल में बंद था। पीड़ित परिवार उसे फांसी की सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है। हाजी इजलाल मेरठ जिला कारागार में जरूर बंद था, लेकिन जेल के भीतर उसकी अय्याशी और ऐशो आराम में पैसे के बल पर कभी कोई कमी नहीं आई। कुछ दिन पूर्व ही हाईकोर्ट का यह आदेश आया था कि 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद लोगों को जमानत दे दी जाए। इसे आधार बनाते हुए हाजी इजलाल ने 2 माह पूर्व जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। बीते मंगलवार को हाईकोर्ट ने इजलाल को जमानत दे दी थी। मृतक सुनील ढाका के भाई अनिल ढाका का कहना है कि वर्ष 2008 से वह लगातार इजलाल व उसके परिवार को सजा दिलाने के लिए कोर्ट से लड़ रहे हैं। वह इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। आज सुबह हाजी इजलाल ने जेल के बाहर आकर खुली हवा में सांस लेते हुए लंबी अकड़ाई ली। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।